तो भाई आईपीएल 2023 के स्टार्टिंग में ज्यादा दिनों का समय बचा हुआ है नहीं, जल्दी यहाँ पे आईपीएल 2023 का स्टार्टिंग हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ खास बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एमएस धोनी को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईपीएल 2023 को लेकर रूल्स भी चेंज होने वाले हैं, वो क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो गाइस वीडियो को अभी लेकर पूरा एंड तक देखिएगा, और जो लोग भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो, तो भाई चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई फाइनल में बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में, और गाइस जो पहली न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है एमएस धोनी को लेकर। हाँ गाइस एमएस धोनी को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इनफैक्ट आईपीएल 2023 को लेकर एमएस धोनी ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। हाँ गाइस आईपीएल 2023 को लेकर एमएस धोनी ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है, और ये प्रैक्टिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से कमर कस लिया है एमएस धोनी ने। और 2023 आईपीएल की पूरी तरीके से फोकस जो तैयारी होती है, जो कि 100% देने वाली तैयारी होती है, अब वो करना स्टार्ट कर चुके हैं। और गाइस यहाँ पे चेन्नई के फैंस काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि अभी भी आईपीएल स्टार्ट होने में अभी टाइम है, लेकिन अगर अभी से एमएस धोनी ने ये चीजें स्टार्ट कर दी है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज लाता है, जो कि आईपीएल 2023 में हमें देखने को मिलने वाला है। तो गाइस पहली बात करने वाले हैं दूसरे चीज के बारे में, और ये है चेन्नई का जो मेन कैंप है वो कब लगने वाला है। अब आपको मैंने पिछले न्यूज में बताया था कि एमएस धोनी ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका जो जाता है, जो नजर जाता है, वो चेन्नई के कैंप को लेके जाता है कि आखिर चेन्नई का जो मेन कैंप है जिसमें मेन मेन खिलाड़ी हैं वो कब ज्वाइन होने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि एमएस धोनी और उसके साथ जो भी सभी खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी हैं वो जल्द ही कैंप का ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं, और जल्द ही काफी जल्दी यहाँ पे कैंप लगता हुआ नजर आने वाला है। यानी कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि कैंप लगता हुआ नजर आने वाला है, और चेन्नई सबसे पहली वो टीम बनने वाली है जो कि आईपीएल 2023 को लेके कैंप लगाएगी। तो यहाँ पे ये भी चीजें काफी अच्छी निकल के आ रही है। लोकल कैंप लग चुका है, लेकिन जो मेन कैंप रहता है वो भी जल्द ही लगता हुआ नजर आने वाला है। तो गाइस फाइनली बात करने वाले अगले न्यूज को लेके, और ये है चेन्नई के फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, क्योंकि जड्डू ने बॉलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। हाँ गाइस जडेजा ने यहाँ पे आईपीएल 2023 और साथ में टीम इंडिया के कमबैक की अपनी जो इस्तीफा है, जो कि लेटर है, वो लिख दिया है, और आईपीएल 2023 से पहले इनका पूरी तरीके फिटनेस में होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस यहाँ पे ये गेंदबाजी करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो यानी जो अगली सीरीज होने वाली है वहां पे जड्डू जरूर रहने वाले हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है। अभी रणजी ट्रॉफी भी खेलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो फिटनेस है वो पूरी तरीके से A1 हो चुका है, जो कि चेन्नई के फैंस के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। तो गाइस फाइनली हम बात करने वाले हैं अगले चीज के बारे में, और ये है वुमेन्स आईपीएल को लेके। हाँ गाइस वुमेन्स आईपीएल को लेके यहाँ पे बीसीसीआई ने 26 जो कि जनवरी है वहां तक आखिरी डेट दे दिया है सभी वुमेन्स को कि अपना जो कि नीलामी के लिए अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाइए, और 26 जनवरी को ही आपको यहाँ पे सभी खिलाड़ियों का जो नाम है वो अंतिम डेट आने वाला है, जब रजिस्टर्ड हो जाने वाला है, और उसके बाद वो सब चीजें बेस प्राइस और ये सब लगने वाली है, और गाइस ये चीजें होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको बता दूं बेस प्राइस वुमेन्स आईपीएल को लेके, तो यहाँ पे जो कि मेन खिलाड़ी है जो स्मृति मानधना है और हरमनप्रीत कौर है, यानी कि जो आपके टॉप खिलाड़ी है उनका बेस प्राइस 50 लाख मैक्सिमम जाने वाला है, जो कि रिपोर्ट दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेस प्राइस भी उतना ज्यादा मेन्स आईपीएल को लेकर उतना हाइप नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन तब भी 50 लाख तक का बेस प्राइस रहने वाला है। तो गाइस फाइनली बात करने वाले अगले चीज को लेकर, और ये भी वुमेन्स आईपीएल को लेकर आ रही है। और गाइस यहाँ पे क्रिकबस ने काफी बड़ा रिपोर्ट दिया है कि वुमेन्स आईपीएल में 5 ओवरसीज खिलाड़ी एक प्लेइंग 11 में खेलेंगे, यानी कि जो वुमेन्स आईपीएल होने वाला है वहां पे एक टीम में 4 नहीं बल्कि 5 वहां पे विदेशी महिलाएं, जो कि विदेशी फॉरेन प्लेयर है, वो खेलती हुई नजर आने वाली है। आईपीएल में अभी तक 4 है, लेकिन इसमें यहाँ पे वुमेन्स आईपीएल में 5 कर दिया गया है। अब देखना होगा क्या ये आगे चल के ये चीजें देख के कहीं आईपीएल में भी, मेन आईपीएल में ये लागू करने के बारे में इतना ही सोच रही है बीसीसीआई, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बात कर ले तो वुमेन्स आईपीएल में एक प्लेइंग 11 है, 5 फॉरेन प्लेयर्स की यहाँ पे कर दी गई है, जो कि क्रिकबस ने यहाँ पे रिपोर्ट दावा किया है। तो गाइस ये थी आज की वो सभी खबरें जो कि निकल के आई थी, मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस फाइनली आप बताइएगा कि आपके लिए कौन सी ज्यादा अच्छी है, आपके अपनी जो है आइटम में कमेंट करेगा, वीडियो फाइनल कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, वापस मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।